फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में कुल 10 डिफरेंसेस बताने वाला, तो आप घबराइए नहीं, ये कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर होने वाला है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं कि फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल टेबुलर फॉर्म है। तो फिजिसॉर्प्शन में राइजेस बिकॉज ऑफ वैंडरवाल फोर्सेज के कारण है, जो फिजिसॉर्प्शन में होता है। केमिसॉर्प्शन कॉज बाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ये हो पाता है। नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और वहीं पर केमिसॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ये रिवर्सिबल होता है नेचर में, ये इरिवर्सिबल होता है। ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ गैस। मोर इजिली अगर लिक्विफाइबल गैसेज है तो एडजॉर्ब रेडियली, आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगा। आल्सो ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। गैसेज बीच कैन रिएक्ट विथ एडजॉर्ब सो केमिसॉर्प्शन, अगर आसानी से रिएक्ट कर पाए तो ये आसानी से केमिसॉर्प्शन वहाँ पर हो पाएगा। आगे लो टेम्परेचर फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये जो इसका प्रोसेस है वो डिक्रीज करने लगता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन ये हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल है इसके, इस एडजॉर्प्शन के लिए, इस प्रकार के एडजॉर्प्शन के लिए। और यही कारण है कि ये इंक्रीज करने जा लगता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगते हैं। यहाँ पर जो इन्थैल्पी है वो लो होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि यहाँ पर इन्थैल्पी जो है हाई होता है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इस जो एडजॉर्प्शन है ये भी इंक्रीज करने लगता है। और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, ये भी इंक्रीज करने लगता है जैसे जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इट रिजल्ट इन मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर होने के कारण ये मल्टी लेयर तक फॉर्मेशन कर देता है या फिर मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हो जाता है। इट रिजल्ट इन यूनिमोलिकुलर लेयर, लेकिन ये फिर भी केमिसॉर्प्शन जो है यूनिमोलिकुलर लेयर तक ही हो पाता है। एग्जाम्पल जरूरी है तो जो फिजिसॉर्प्शन है आप देख पाएंगे एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेज ऑन चारकोल, एक तरह का एग्जाम्पल है जो जहाँ पर फिजिसॉर्प्शन हो रहा है। केमिसॉर्प्शन जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया ऑक्सीजन ऑन Ag, Au एंड Pt, H2 ऑन Ni, निकेल, EDC, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो केमिसॉर्प्शन के अंतर्गत आते हैं। एंड अदर थिंग, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेटेड एनर्जी नीडेड, यहाँ पर एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन केमिसॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी कभी कुछ समय में या कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है उसका।